अगर आपको भी लगता है कि आईटी सेक्टर आपको प्रॉफिट दे सकता है तो एक बहुत अच्छा मौका आपके लिए आया है। आईटी सेक्टर का आईपीओ, कंपनी का नाम है ट्राइडेंट टेक लैब्स लिमिटेड। ये आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो रहा है 21 दिसंबर 2023 को और क्लोज होगा इसका सब्सक्रिप्शन 26 दिसंबर 2023 को, यानी कि आपके पास भरे पूरे 5 दिन का समय है। वैसे तो कंपनी ने प्राइस बैंड काफी नॉमिनल रखा है, 33 रुपए से लेकर 35 रुपए पर शेयर, लेकिन हाँ कंपनी ने एक लॉट का साइज काफी बड़ा रख दिया है, दैट इज 4,000 शेयर्स, विच मीन्स रिटेल इन्वेस्टर को एक लॉट के लिए भी अगर अप्लाई करना है तो उसके लिए कम से कम 1,40,000 रुपए देने ही होंगे। और वहीं दूसरी तरफ HNI यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को कम से कम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, विच मीन्स आपको लगभग 2,80,000 रुपए देने ही होंगे। वहीं अगर आईपीओ की डिटेल में बात करें तो ये पूरा आईपीओ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स होने वाला है और आईपीओ में इशू होने वाले शेयर्स की फेस वैल्यू है 10 रुपए। कंपनी का लक्ष्य है कि इस आईपीओ से करीब 16 करोड़ रुपए रेस करें, जिसमें से 33% से ज्यादा शेयर्स रिजर्व्ड हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए और इस आईपीओ के अंदर करीब 15 लाख शेयर्स इशू होने वाले हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो QIB के लिए 17.5% शेयर्स रिजर्व्ड हैं और NII के लिए 14.5% शेयर्स रिजर्व्ड हैं। पूरे आईपीओ के अंदर लगभग 45 लाख शेयर्स इशू होने वाले हैं। कंपनी की अगर बात करें तो ये कंपनी ट्राइडेंट टेक लैब कंपनी की शुरुआत हुई थी साल 2000 में। कंपनी एरोस्पेस, डिफेंस, ऑटोमोटिव, टेलीकम्युनिकेशन, सेमीकंडक्टर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। इसका मार्केट कैप है 60 करोड़ रुपए के करीब और इसने हाल ही में रेवेन्यू जनरेट किया है करीब करीब 2114 लाख रुपए का। इस आईपीओ के रजिस्ट्रार है माँ शीतला सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड और बुक रनिंग लीड मैनेजर है GYR कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड। इस पूरे आईपीओ के अंदर लगभग 45 लाख शेयर्स इशू होने वाले हैं। फिलहाल इसका GMP चल रहा है 40 रुपए पर शेयर। उम्मीद है कि इसकी लिस्टिंग होगी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 29 दिसंबर 2023 को। तो अगर आप भी इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो डिफेंस एरोस्पेस को IT सॉल्यूशन प्रोवाइड करें तो ये IPO आपके लिए सही हो सकता है, लेकिन हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप एक बार वीडियो ध्यान से देखें, खुद अपनी रिसर्च करें और खुद ही आप अपना डिसीजन लें, क्योंकि हम आपके पास यहाँ सिर्फ IPO की जानकारी लेकर आते हैं, निवेश करें या ना करने की सलाह नहीं देते। आने वाले तमाम IPO की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आपको बने रहना होगा पैसा लाइफ पर। वीडियो पसंद आई उसे लाइक करें, शेयर करें, कोई डाउट हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताएं।